वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप सत संगतानों, दूजी पातशाही गुरु अंगद देव जी दे प्रकाश पुरब दियां लख लख वधाइयां होवन। गुरु नानक देव जी ने अपनी चार उदासियां दे समय देश विदेश विच आ के लोगों नूं प्यार अते अमन दा सुनेहा दित्ता सी। आप जी ने फोके कर्म कांडा रीति रिवाजा अते समाज विच पाईया होईया जात पात दियां पंडियां दी करणी आलोचना कीती सी। आप जी ने नाम जपण किरत कर्म ते वण छकण उत्ते जोर दिता। आप 1539 ईस्वी विच भाई लहणा अर्थात गुरु अंगद देव जी नूं अपना उत्तराधिकारी नियत करके करतारपुर अजोके पाकिस्तान विखे ज्योति जोत समा गए। भाई गुरदास जी की पहली वार दी 45वीं पौड़ी दे विच लिखते हैं, थापिया लहणा जीव दे गुरियाई सिर छत फिराया, ज्योति जोत मिलाए के सतगुर नानक रूप वटाया, लख न कोई सकई आचरज रो आचरज दिखाया, काया पलट स्वरूप बनाया। गुरु अंगद देव जी ने 1539 तो लैके 1552 तक सिख धर्म अते सिख भाईचारे की अगवाई की। आप जी का गुरुकाल का समा सिख इतिहास लई वड्डियां प्राप्तियां का समा है, जिस दी अमर छाप अज भी वेखी अते महसूस की जा सकती है। आप जी ने ना सिर्फ गुरु नानक देव जी की बाणी अते विचारधारा नो दा प्रचार दा जतन किया, सगों उन्हां सिख संस्थावां अते परंपरावां नू भी मजबूत किया जिन्हां दी नींह गुरु नानक देव जी रख गए सन। गुरु नानक देव जी द्वारा रचित बाणियां नू संभालिया, उस नू गुरमुखी लिपि विच बद कराया, पंजाबी बोली अते गुरमुखी लिपि दा प्रचार संसार भर विच किया, गुरु नानक देव जी दी जन्म साखी लिखवाई अते पंगत अते कीर्तन दी मर्यादा नू मजबूत किया अते सिख धर्म नू बाबा श्री चांदी दे उदासी मत जां किसी होर प्रचलित धर्म विच विलीन हो जाण तों बचा के सिखां नू इक सुतंत्र होंद प्राप्त दित्ती, जिस कारण ये धर्म अपने पैर पक्की तरह जमा के खड़ा हो गया सी। गुरु अंगद देव जी का जन्म 31 मार्च सन 1504 ईस्वी नू माता दया कौर माता रामो अते बाबा फेरू माल जी दे ग्रह विखे मत्ते दी सराह जिला फिरोजपुर विखे होया। इन्हां दे वडेरे पिंड मंगोवाल जिला गुजरात अजोके पाकिस्तान दे रहण वाले सन। बाबा फेरू माल जी दुकानदारी दा काम करदे सन। आप पिंड दे चौधरी तखतमल अते फिरोजपुर दे स्थानक पठान हाकम दा हिसाब किताब भी संभालदे सन। पर 1519 मगरों जदों बाबर ने हिंदुस्तान ते हमले करने शुरू किए तो इन्हां दे पिंड मत्ते दी सराह मगरों सराए नांगा उजाड़ दिता गया। बाबा फेरू जी अपने परिवार नूं लै के पहला हरीके पतन, फिर पिंड संगरवे ते फिर खडूर आके वस गए। आप देवी भगत सन अते हर साल देवी भगतां दे जत्थे लै के देवी दे दर्शनां नूं जाया करदे सन। घर दे इस धार्मिक माहौल का असर इन्हां दे सपुत्र भाई लहणा ते भी होया। 1526 नूं जदों बाबा फेरू माल जी अकाल चलाना कर गए तो भाई लहणा जी भी देवी भगतां दा जत्था लै के ज्वालामुखी जाण लग पए। इन्हां दिनां विच ही भाई लहणा जी ने पिंड दे इक गुरसिख भाई जोधा जी कोलों गुरु नानक देव जी की बाणी सुनी तो उन्हां दे मन विच उन्हां नूं मिलण दी तांग पैदा हुई। 1532 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਵੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ 7 ਸਾਲ 1532 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1539 ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸੰਪ੍ਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ
कि आप गुरु नानक का रूप ही हो गए। ज्योति जसवाण तो पहला गुरु नानक देव जी ने अपनी जोत भाई लैणे भी टिका के उन्होंने गुरु अंगद का रूप बना के अपनी थां ते समर्पित कर दिता। गुरु नानक देव जी का दी ये चोण सिख धर्म के विकास अते इतिहास विच एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। गुरु नानक ने गुरु पदवी नूं शरीरिक गुरता नालों तोड़ के जोत नाल जोड़ दिता अते यही जोत दसवें जामे तो बाद शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में प्रगट हुई। गुरु अंगद देव जी ने खडूर साहिब नूं सिक्खी प्रचार का केंद्र स्थापित किया। खडूर साहिब रहिंदियां आप नीता पत्ती संगतां नूं गुरु नानक देव जी दे द्वारा उच्चारित बाणी के उपदेश देंदे, शब्द की व्याख्या करदे अते असली जीवन दे विच चंगे अते शुभ गुणां नूं ग्रहण करन दी प्रेरणा देंदे। खडूर साहिब विखे आईयां संगतां दी देखभाल अते उन्हां नूं सुख आराम दा ध्यान भी करदे। उन्हां दी धर्म सुपत्नी माता खीवी जी रखदे सन। माता जी बड़े निघे अते मिठे सुभाव दे सन। गुरु नानक देव जी ने इस्त्री जात नूं समाज विच इक सम्मानजनक स्थान देण दी गल कीती सी। माता खीवी जी ने अपनी सेवा अते किरदार राही सिख समाज विच इस सत्कार स्थान नूं पहली उदाहरण पेश कीता। गुरु अंगद देव जी ने अपनी मात भाषा पंजाबी दे प्रचार अते प्रसार लई बड़ा काम कीता। बच्चों लई गुरमुखी अखरां विच बाल बोध तैयार करवाए अते खडूर विखे पंजाबी दियां पहली पाठशाला स्थापित कीती। आप दिन दा बहुत समा बच्चों नाल बिताया करदे सन। आप जी ने प्रभु भक्ति अते सिमरन दे नाल शरीर तौर ते निरोए अते रिष्ट पुष्ट रहण लई मूल अखाड़े भी स्थापन किते। समा पा के सिख चंगे शाह सवार शस्त्रधारी अते निवरे योधे बन गए। गुरु अंगद देव जी दे समय दियां प्रमुख सिखां विचों बाबा बुड्ढा जी, सत्ता बलवान मरदाने अते मरदाने दा पुत्र शाहजादा, साधु बाधु भाई जीवा, गुजर लुहार, नाईदिन आदि सिख सन। गुरु अंगद देव जी की बाणी का सुनेहा सारी मानवता जाति वास्ते इको जिहा अते कल्याणकारी है। रब की बंदगी अते प्रभु प्रेम के सामने दुनिया के पदार्थ अते वडियाइयां दी कोई मुल नहीं है। आप फुरमाउंदे हन, नानक दुनिया क्या वडियाइयां, अग्गी सेती जाल, ऐनी जली ना विसारिया इक न चलियां नाल। एक बार फिर मेरे वलों सारिया संगतां नूं गुरु अंगद देव जी दे प्रकाश पुरब दियां लख लख वधाइयां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।